हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको गिवन है कि द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1। मैं मान लेता हूँ ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट h है और जो रेडियस बेस की वो कितनी है r है। तो रेडियस यानी हाइट और रेडियस का रेशियो कितना है, 3:1 है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इफ इट वॉल्यूम इज 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आपको वॉल्यूम दे दिया सिलेंडर का इतना, और फिर है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। आपको सबसे पहले गिवन जो कंडीशन है वो कितनी है, एच अपॉन रेशियो है, तो एच अपॉन आर इक्वल टू 3:1 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूँ और एच की आपका हाइट है, एच की आपका हाइट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाइट H इक्वल टू 3R। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितनी है, 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सिलेंडर की रेडियस R और जो हाइट है वो एच है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1029 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इंटू इस एच की वैल्यू में यहाँ से पुट कर दूँ तो 3R हो गई कितनी 1029, ये पाई के अंदर वैल्यू आपकी हो जाएगी। फिर मैं ये जानता हूँ कि ये R और ये R मिलके कितना R क्यूब, और ये कितना 1029 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आएगी वैल्यू आपकी, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी 3, फिर 4 और फिर 3, यानी आर क्यूब की वैल्यू 743 वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख दे सकता हूँ, देखो आर की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू का क्यूब रूट यानी 3 ऑफ क्यूब रूट कितना 343, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 7, ये किसका क्यूब है 7 का, वॉल्यूम आपकी सेंटीमीटर क्यूब में थी तो रेडियस कितनी आ गई सेंटीमीटर में आ जाएगी। इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन, पुट आर इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में, तो एच की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 3 × r, r कितना है आपका 7, तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट r और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उसके बाद में आपको ये लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस को टी एस ए लिख सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, 2πRh प्लस में 2πr² यहाँ से मैं जानता हूँ कि 2πr को मैं कॉमन निकालूँ तो h प्लस r आपकी वैल्यू हो जाएगी, 2 × π की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है r ये रहा 7 इंटू h की वैल्यू कितनी है 14 और इसकी वैल्यू 3 है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 44 इंटू में ये कितना 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका 84, 84 का 4 और ये 84 और 8 कितना 94, कितना आ गया 944 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको पूरा गिवन है, मैं थोड़ा सा इसका डायरेक्ट मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपको एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, कंपटीशन के अंदर आपको काम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको गिवन है, सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, मैं ओनली यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्लियर बात, सबसे पहले ये बोला है कि द रेडियस ऑफ
सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाई 20 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की यानी ये सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है आर वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 20% हो रही है इंक्रीज होगी। 20% को मैं फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 1/5 हो गया, क्योंकि परसेंटेज को उठाएंगे नीचे कितना 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 20/100 कितना 1/5 इंक्रीज हो रही है, तो 5 पे कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1, तो 6/5 ये किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। हाइट आपकी कितनी डिक्रीज हो रही है, 20% डिक्रीज हो रही है, इसको मैं कम करूंगा तो फंक्शन के अंदर वैल्यू ये आएगी, देखो 5 पे कितनी वैल्यू कम है 1 वैल्यू कम है, तो ये आ जाएगी 4/5। ठीक है, उसके बाद में आपको ये लिखा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू पे कोई भी चेंजेबल क्वांटिटी नहीं आएगी। आर स्क्वायर यानी इसका आर स्क्वायर करूंगा, ये आर की वैल्यू ही है, स्क्वायर करूंगा तो 36/25 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 4/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 144 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 125। क्लियर बात। अब आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, देखो 125 पे 144 इंक्रीज हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ वो देखिए, 144 में से मैं माइनस कर दूं, यानी 144 में से आपको 25 माइनस करना है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी परसेंटेज इंक्रीजिंग कितना हुआ वॉल्यूम के अंदर वो देखिए, ये कितना आपका 9 और ये फिर 19 किस वैल्यू पे इंक्रीज हुई है, 125 पे ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो इस वैल्यू पे निकलेगा 125 इंटू में परसेंटेज निकालने, तो ये आपका 100, 25 से कैंसिल आउट करूंगा 5 और ये आपका 4, ये लिख सकता हूँ, इस 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या 5 से डिवाइड नहीं करो तो मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना 76/5, 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा देखिए 1, फिर 26 और 5 ये हो जाएगा, फिर 1 कैरी 0 उतारेंगे तो ये परसेंटेज के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ, और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है आपकी बुक में पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है वो देख लेना आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको भी आप साथ में नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ, परसेंटेज के बेस पे दोनों मेथड बताऊंगा, ये ट्रिक भी बताऊंगा और ये ट्रिक आप कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको जो एग्जाम में कैसे करना वो बताता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए ध्यान से, एक सिलेंडर आपको गिवन है, इस सिलेंडर की जो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन अपने पास जो पहले वैल्यू होगी उसी पे डिक्रीज होगी, तो सबसे पहले लेट करके मैं रेडियस ऑफ ए राइट सॉलिड लिखा हुआ है, पहले सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू कितना मान लेता हूँ मैं लेट करके 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे आर 100 सेंटीमीटर। क्लियर बात। फिर डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना, रेडियस कितनी डिक्रीज हो रही है आपकी, 20% डिक्रीज होगी, और ये जो हाइट आपकी ये कितनी होगी 10% इंक्रीज हो रही है। अब मैं हाइट की बात करूं तो इसको भी लेट करके मान लेते हैं, हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यदि हाइट और रेडियस आ जाए तो वॉल्यूम में निकाल सकता हूं यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये लिख देना आप पूरा, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, इसको आप वी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है
आर आपका, चलो पाई की वैल्यू पाई में रहने दीजिए, ठीक है। ये पाई इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 100, ठीक है। 100 का होल स्क्वायर करोगे तो 10,000 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40,000, 20 पहले से, और ये आपका पाई किस में वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। क्लियर बात। अब मैं न्यू की बात करूँ जो चेंजेबल हो रहा है, न्यू जो रेडियस आएगी उसको मैं आर डेस मान लेता हूँ। 100 वैल्यू थी उसमें 20% कम हो गया, तो अब नई जो रेडियस है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर। नई रेडियस आपकी कितनी है 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद मैं हाइट की बात करूँ, न्यू हाइट की बात करूँ, इसको डेस कर देना आप, न्यू हाइट की बात करूँ तो न्यू हाइट कितनी है आपकी, देखिए यहाँ से आर डेस कितनी है, हाइट 10% इंक्रीज हो रही है, तो पहले 100 थी अब कितना 110। फिर मैं वॉल्यूम की बात करूं, न्यू वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वही सेम फॉर्मूला है आपका पाई आर डेस स्क्वायर एच डेस। आर डेस ये तो पाई की पाई रहेगी, आर वन का स्क्वायर यानी 80 का होल स्क्वायर इंटू में 110, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 6400 मल्टीप्लाई 110, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 77,04,000 सेंटीमीटर। पाई साथ में आएगा, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये वॉल्यूम आपकी ये थी, जो चेंजेबल आया वो रेडियस और हाइट के अंदर आया, तो जो डिक्रीज वैल्यू आई तो ये हो गई आपकी, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई, डिक्रीज वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी आपकी। डिक्रीज वॉल्यूम कितनी आई कि इस वैल्यू पे ये डिक्रीज हुई है, तो 60 पाई माइनस 7400 ये, ठीक है, ये भी पाई है आपका, तो ये डिक्रीज वैल्यू आपकी आ जाएगी, माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 296,000, ठीक है, 296,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद मैं आपको परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इन वॉल्यूम, चेंज परसेंटेज इन वॉल्यूम कि वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इतनी वैल्यू चेंजेबल आई है यानी इतनी वैल्यू आपकी कम हो गई, तो इतनी वैल्यू में कम निकालूं तो 296,000 अपॉन किस पे चेंज हुई है, इस वैल्यू पे चेंज हुई है, ये पाई साथ में है और 10 30 और लगा देता हूँ मैं, परसेंटेज निकालना आपको, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, इन 30 से ये 30 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 296 अपॉन में 10%, इसको मैं और सोल्व करूं तो 29.6% आपका चेंज परसेंटेज इन वॉल्यूम, यानी इतना परसेंट आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गई पहले जो वॉल्यूम थी उसमें से, ठीक है ना, ये डिक्रीज चेंजेबल है आपका, ठीक है ना, डिक्रीज परसेंट, चेंज डिक्रीज परसेंट आप लिख सकते हो, डिक्रीज परसेंटेज ब्रैकेट में भी, ये लीजिए। उसके बाद में आपको ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कवर्ड सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है, ठीक है, तो ये भी मैं यहीं पे निकाल देता हूँ किस कवर सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, तो कवर सरफेस एरिया देखिए, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, इससे पहले मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप नोट डाउन करना पूरा, और मैं कवर सरफेस एरिया की बात करता हूँ यहाँ पे, चलिए ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट था, सेकेंड की बात करें, सेकेंड के अंदर सबसे पहले आपको कवर सरफेस एरिया, ठीक है ना, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है,
टू पाई आर एच, टू पाई इंटू आर, आर कितना आपका 100, इंटू एच कितना आपका 100, टू से मल्टीप्लाई करूँ तो 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। न्यू की बात करते हैं अपन। न्यू जो रेडियस है आपकी, न्यू रेडियस वो आर डेस हो गई, और आर डेस की वैल्यू कितनी है 20% डिक्रीज हो गई, तो 80 सेंटीमीटर। फिर मैं न्यू हाइट की बात करूं, न्यू हाइट एच डेस इसकी बात करूं तो ये कितनी 110 सेंटीमीटर हो गई। फिर मैं न्यू एरिया की बात करूं, न्यू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर डेस एच डेस, तो 2 इंटू पाई इंटू 80 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 16,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। ये वैल्यू थी, इसमें से ये डिक्रीज हो गई तो डिक्रीजिंग एरिया आ जाएगा आपका, डिक्रीजिंग कवर्ड सरफेस एरिया। मैं एरिया लिख देता हूँ कि 20,000 पाई में से 16,000 पाई को मैं माइनस करूँगा तो 4,000 पाई आपका रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, ये सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू। अब आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इन एरिया, एरिया के अंदर कितना चेंजेबल है, ये डिक्रीजिंग वैल्यू आपकी, डिक्रीजिंग आपका एरिया है, या डिक्रीजिंग वैल्यू लिख दो इसको, ठीक है ना, डिक्रीजिंग एरिया बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग आपका आ जाएगा, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 4000 पाई, किस पे डिक्रीज हो रही है 20,000 पे डिक्रीज हो रही है, पाई पे हटाना है तो 100 लगा दो, अपने पाई परसेंटेज निकालना है तो 100 लगा दो, पाई से पाई कैंसिल आउट, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट दोनों, तो ये आ जाएगा आपका कितना 20%, यानी 40 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20% यहाँ से आ जाएगा। क्लियर बात। तो देख लेते हैं, पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ये 11 है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये देख लेना भाई थोड़ा सा, 11 इंटू 80 इंटू 2, ये आपका आएगी वैल्यू 176, इसको मैं माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी, देखो कितना 0, 0, 4 और ये 2, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, 2400, तो ये दो जीरो से ये कैंसिल आउट। अब मैं 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना 12% आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड था, इससे पहले अपन फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द थिन मेटल शीट required to make a hole and close cylindrical box of the diameter 20 सेंटीमीटर, height 35 सेंटीमीटर। यानी ये एक आप सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी हाइट कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ आपको एक मेटल शीट की रिक्वायरमेंट लानी है, ठीक है, एक मेटल शीट आपको बनानी है, तो उसकी मिनिमम लेंथ और जो करेक्ट आंसर आपको किस में निकालना है, होल नंबर के अंदर निकालना है। फिर लिखा हुआ है आगे कि गिवन दैट द विड्थ ऑफ मेटल शीट इज 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट ऑफ 56 पर मीटर, ये आपको टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर था आपका और ये वैल्यू मीटर में है, तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब देखो जो मेटल शीट है वो आपकी यही है, सपोज ये कोई एक मेटल शीट है, इस मेटल शीट की ये आपकी ब्रिथ है या विड्थ लेता हूँ, ये लेंथ हो गई, या फिर मैं इसको लेंथ ले लेता हूँ और इसको ब्रिथ या विड्थ ले लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप में है,
इनका एरिया निकाल लूँ तो एल इंटू बी आएगा, ये निकालना है, विड्थ आपको दी हुई है, तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ मेटल शीट इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसी पे लगाना है आपको। तो इसके जो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि चारों तरफ प्लेट है, फिर नीचे सर्किल है वो भी, और ऊपर जो सर्किल है पूरा बनाना है आपको, ठीक है। तो पूरा बॉक्स बनाना है आपको, सिलेंडरिकल बॉक्स बनाना है, ठीक है, कि उस सिलेंडरिकल बॉक्स के अंदर ये पूरा सिलेंडर आ जाए, उस टाइप से आपको बनाना है। तो इस बॉक्स का क्या एरिया होगा, इसका एरिया मैं जानता हूँ कि लेंथ इंटू विड्थ ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे विड्थ दी हुई है आपको, एक की बात है ब्रिथ और विड्थ, और इसका एरिया की बात करूँ तो 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन ये जान गए, अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखिए इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2πRh प्लस R, लेंथ आपको निकालनी है, L ले लेता हूँ लेंथ को, L इक्वल टू विड्थ कितनी है आपकी 100, इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है देखिए 10, इंटू एच कितना है आपका 35 प्लस आर कितना है 10, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट यहाँ से कर देंगे, तो लेंथ एल इक्वल टू ये तो कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 110, और ये आपका देखो कितना हो रहा है 45 अपॉन में 7 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 44 इंटू में 45 डिवाइडेड बाई, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 90/80/70, इसको डिवाइड कर देते हैं 70 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28.28, ठीक है ना, लेंथ ही, तो ये सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आपको मिनिमम करेक्ट जो आंसर आपको निकालना था होल नंबर में, तो ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, ये था आपका, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ मेटल शीट आपको निकालनी है, तो सबसे पहले मेटल शीट का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ, देखो एरिया ये रहा, एरिया ऑफ मेटल शीट कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ ले लो या फिर विड्थ ले लो, ये कितना 28 सेंटीमीटर था, इंटू में विड्थ कितनी है 100 है, तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ 100, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, क्लियर बात। अब एरिया था तो स्क्वायर में आएगी वैल्यू, इसको मैं मीटर में, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 2800 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100, दूसरे को करेंगे तो दूसरा 100, अब डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है आपका 0.28 मीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ से मेटल शीट का करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, कि मेटल शीट की जो एरिया है वो आ जाएगी। फिर मैं निकालता हूँ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी मुझे, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 56 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट किसका 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0.28 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.28 इंटू में 56, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो देखिए 0.28 इंटू में 56, ये वैल्यू आ जाएगी 15.68
रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेटल शीट की, कि इतनी मेटल शीट की रेट आपकी लगेगी। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके आगे थोड़ा सा और गिवन आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड ऑफ द 10% ऑफ इट वेस्टेज इन द कटिंग, कि इतना आपका एरिया है, एरिया कितना आपका, ये एरिया है, इस एरिया में 10% वेस्ट हो जाता है, तो जो एक्चुअल के अंदर इसको बनाने के अंदर जो मेटल शीट लगेगा उसका, यानी उसका एरिया कितना होगा वो निकालना है। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो देखिए ध्यान से आप, लेट रिक्वायर्ड, लेट रिक्वायर्ड मेटल शीट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये रिक्वायर्ड मेटल शीट है, तो एक्स आपकी रिक्वायर्ड है, उसमें से एक्स का 10% ये कि इसी से वेस्ट होगा, ठीक है, इसमें से वेस्ट हो गया तो वो कितना है, 10% है, तो 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स इक्वल टू इस रिक्वायर्ड में से ये वेस्टेज वाला माइनस कर दोगे तो इतना तो लगेगा ना आपकी, यही तो टोटल है आपकी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। तो टोटल आपका जो एरिया आएगा, कि एरिया यहाँ पे लिख देना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस ये कितना, 10x अपॉन में 100 इक्वल टू 28। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9x अपॉन में 100 इक्वल टू 28, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं, x की वैल्यू निकालें तो ये इधर आ जाएगा 28 और ये जीरो, 28009 से डिवाइड करना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए ध्यान से, क्योंकि x के आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू आएगी, एरिया है, तो 28000 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3111.11 ऐसे चल के आ जाएगी। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहूँ होल नंबर के अंदर, तो ये इतना आ जाएगा, या फिर इतना ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो मेटल शीट का लगेगा। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट करके बताना था। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 3080 सेंटीमीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल ए सिलेंड्रिकल वेसल्स कम्प्लीटली, यानी अपन 3080 सेंटीमीटर का वाटर दूसरे सिलेंडर के अंदर क्या कर रहे हैं, कम यानी उसमें फिल कर रहे हैं, एंड 2310 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इफ इट अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो टू टॉप, कि टॉप से कम करते ही, यानी इतना कम करते ही, कितना 2310 किस में से कम कर रहे हैं, 3080 में से कम कर रहे हैं, उतना कम करके टॉप से 5 सेंटीमीटर, जैसे ये टॉप ये पूरा भरा हुआ था, अपन वाटर निकाल देंगे इतना, तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये जो हाइट आपकी एच इतनी, ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर पहले से कम हो जाएगी। क्लियर बात। तो इस पूरी यानी इस सिलेंडर के अंदर पूरा वाटर फिल किया हुआ था, इतना अपन कम कर रहे हैं, तो इतने की वॉल्यूम के अंदर हाइट कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर बात। ये था आपका, फिर आपको बिलो द टॉप फाइंड द रेडियस ऑफ वेसल, सेकंड आपको निकालना हाइट ऑफ वेसल, थर्ड आपको सरफेस एरिया। देखो देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ आपको गिवन है, ये पूरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के इक्वल आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन द वेसल वो किसके इक्वल होगा, 2π वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल, πr² h, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल, पूरा भरा हुआ है तब की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये पूरा भरा हुआ है, तो इसकी जो हाइट होगी वो h ही होगी, और इसने कम कर दिया तो हाइट h थी, तो इसकी जो वॉल्यूम कम हुई वो 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, ठीक है हाइट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं r की वैल्यू
एच की वैल्यू नहीं जानता हूँ तो थर्ड ये वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन में 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 3080 अपॉन इनटू में 7 अपॉन में 22, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3080 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22, ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर एच की वैल्यू 980 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था आपका, क्लियर बात। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन वेसल अप टू लिख देता हूं मैं, या फिर हाइट ऑफ कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी कि ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा कितना था, इतना, ठीक है, और इसमें से इतना कम हो गया। तो देखो इस पूरे में से इतना कम होगा करेंगे तो उसकी हाइट ये हो गई, तो इतने की वैल्यू कितनी आएगी, 3080 माइनस ये आ जाएगी क्या, यानी यहां से जो वैल्यू आएगी, उस वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, वहां पे हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान में रखना आपको। तो देखियो रेडियस तो वही सेम होगी आर स्क्वायर, और जो हाइट आएगी, हाइट उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ एच लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कैपिटल एच कर देता हूँ इसके लिए। ये हाइट कितनी आएगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक है, जो कम हुआ ना, ये टोटल भरा हुआ था इतना, इसमें से मैंने इसको कम कर दिया तो माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो 0, 8 माइनस 7, और फिर ये आ जाएगा आपका 7, और ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर बात। यहाँ से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी 770 अपॉन में एच इंटू पाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 770 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी 5, और इसकी कितनी 22 अपॉन में 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर स्क्वायर इक्वल टू 770 इंटू 7 अपॉन में 5, ये हो जाएगा आपका 120, कितना आ जाएगा 120 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखिए 771 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पॉइंटों में तो नहीं आ सकती है, ठीक है, तो एक बार देखना भैया थोड़ा सा, 3080 माइनस ये हो जाएगा 2310, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, पाई की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू ये 25 अभी नहीं, तो ये सही है, पाई की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 49, ये तो इतना ही आ रहा है ना, ये 10 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 7 से कैंसिल आउट तो 49, 7 × 7 कितना 49, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ये R की वैल्यू आ गई। अब इस R की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट R इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो R की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो R यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना R का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 980, तो एच की वैल्यू कितनी 980 अपॉन में 49, कैंसिल आउट करोगे तो कितना एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट था रेडियस ऑफ वेसल, ये आपका सेकंड था। अब आपको बाद में अपन बात करें इसकी थर्ड की, कि वेटेज सरफेस एरिया ऑफ वेसल व्हेन इट हाफ फिल विद द वाटर, अब हाफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ये थर्ड आपका,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हाफ वेसल बोल दो या वेसल हाफ निकालना है आपको, तो ये वेसल आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h + 2πr² ठीक है, इसका हाफ निकालना है तो ये लीजिए हाफ, क्लियर बात। यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना, 2π, ऊपर से 2πr कॉमन आ जाएगा, h + r ये रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, और नीचे में कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 20 कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू, 7 इंटू एच की वैल्यू आपकी 20+r, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 × 27 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे देखो कितना आ रहा है, 22 × 27 इसका मल्टीप्लाई आ रहा है आपका 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया अपन जानते हैं, और हाफ का निकालना है तो बाय 2 आ गया, और फिर सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फाउंड व्हेन ए रेक्टेंगल पीस ऑफ द पेपर 44 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर इज रोल अलोंग इट। यानी एक पेपर शीट है जिसकी 44 लेंथ हो गई और 33 आपकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। आपको इसको रोल करना है, बारी बारी से करना है, पहले ऐसे रोल करना है और फिर ऐसे रोल करना है। ठीक है, तो पहले मैं शॉर्टेस्ट साइज के रेस्पेक्ट में रोल करूंगा, तब इसकी वॉल्यूम क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले रेक्टेंगल इस फीस का मैं एरिया आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये मान लो जी, ये मान लीजिए आपकी रेक्टेंगल शीट है, शॉर्टेस्ट साइज आपकी ये हो गई, क्लियर बात, ये शॉर्टेस्ट साइड हो गई, और रोलिंग करना आपको इस शॉर्टेस्ट साइड, जैसे ये हो गया आपका, ये शॉर्टेस्ट साइड हो गई और ये लॉन्गर साइड हो गई, ये आपकी 33 है, ये 44 है, आपको रोल करना है इस साइड के रेस्पेक्ट के अंदर, तो ये रोल ऐसे होगा। अब ये जो पूरा गोला बना है, ये सर्किल बना आपका, इस पूरे की लेंथ कितनी है, 33 तो है, और 33 है तो ये जो सर्कमफेरेंस हो गई आपकी, तो अपन ये जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर या क्रॉस सेक्शन बोल दो इक्वल टू कितनी है, 33 है, क्लियर बात। यहां से इसकी वैल्यू मैं जानता हूं कि 2πr इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, तो यहां से r की वैल्यू निकालूं तो 33/2π, पाई की वैल्यू कितनी, 22, और जो 7 है ऊपर चला जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 33 × 7/2 × 20, ये 2 × कितना आ जाएगा आपका, 44 आ जाएगा। अब डिवाइड कर देता हूँ, देखिए डिवाइड करते हैं तो 33 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 231/44 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.25 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, क्लियर बात। अब देखो मान लो मैंने इसे रोल करके, इसको पूरा के रोल करके इसे रोल किया मैंने, तो ये तो 33 तो सर्कमफेरेंस में आ गई इसकी, लेकिन जो 44 ये क्या आ जाएगी, इसमें मैंने चेंज किया तो ये हाइट आ गई इसकी कितनी, 44, और ये जो है ना ये रोल करने के बाद में ये वैल्यू ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 2πr की वैल्यू 33 आ जाएगी। ठीक है, अब हाइट ये है अपने पास में, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन कि शॉर्टर साइज के अलोंग में इसको रोल करूं तब वॉल्यूम क्या आएगी सिलेंडर की, वो आ जाएगी आपकी वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 × r, r कितना है, 5.25 × 5.25 × h, h कितना है, 44, ये सारा मैं मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है, 5.25 × 5.25 × 44, ये सारा आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 2680.5, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी
3811.5 वॉल्यूम, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर बात, तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको लॉन्गर साइड के रेस्पेक्ट में निकालना है। सेकंड में क्या निकालना है आपको, लॉन्गर साइड। तो देखिए लॉन्गर साइड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी लॉन्गर साइड के रेस्पेक्ट में इसको रोल करना है। जैसे सपोज ये आपका सीट है, तो ये आपकी लॉन्गर साइड हो गई और ये शॉर्टर साइड है, तो इस लॉन्गर साइड के रेस्पेक्ट में इसको मुझे क्या करना है, रोल करना है। तो ये सर्किल, ये सिलेंडर बनेगा आपका, ठीक है। तो इस सेकंड के लिए मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूँ आपके, ठीक है ना। इस टाइप से ये रोल होगा, तो जो रोल होगा ये सर्कमफेरेंस हो जाएगी किसकी इक्वल, 44 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है सेकंड के अंदर, ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, तो ये वैल्यू तो आ गई 33 सेंटीमीटर और ये वैल्यू आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। इसके रेस्पेक्ट में रोल करना है, तो ये हाइट चेंज हो जाएगी 33 और ये जो सर्कमफेरेंस है ये चेंज हो जाएगी आपकी 44। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन की 2πr इक्वल टू कितना, 44। वैल्यू में पुट कर देता हूँ तो 2 × 22/7 × r इक्वल टू 44। तो देखिए 44 से 44 कैंसिल आउट, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, 7, क्योंकि 1 है, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, r की वैल्यू कितनी, 7 × 7 और ये कितना 44। 7 से 7 कैंसिल आउट, इस सारे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 22 × 7 × 44। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 33। इसकी हाइट है ना, ये हाइट ये है, ठीक है, ये देख लेना आप, 7 × 33, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5082 सेंटीमीटर क्यूब। लॉन्गर साइड के लिए मैंने रोल किया तो इसकी वॉल्यूम ये आएगी, शॉर्टर साइड के रेस्पेक्ट में इसको रोल किया तो इसकी वॉल्यूम ये आएगी। ये आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड, 17 में ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर कंटेन इन ए सिलेंडर वेसल विद द विड्थ वेसल विथ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। यानी इसमें जो वाटर भरा हुआ है वो इसमें पूरा का पूरा फिल करना है और इसकी जो डायमीटर वो 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 28/2 हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, कि इसमें डालने के बाद में इस सिलेंडर का वाटर कितने लेवल तक बढ़ेगा, ये आपको बताना है। यानी इस वाटर की हाइट आपको बतानी है, इस सिलेंडर की हाइट आपको बतानी है। तो सिलेंडर की हाइट क्या, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर एच सेंटीमीटर, एच सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू कितना, 11 सेंटीमीटर। अब अपन जानते हैं कि इसमें जो वाटर भरा हुआ है इस क्यूब के अंदर, इसकी वॉल्यूम इक्वल टू इस वॉल्यूम की इक्वल होगी, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। डायमीटर आपका कितना है सिलेंडर का, 28 है, तो यहां से रेडियस निकालूं, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू 28/2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि इसी के अंदर फिल कर रहे हैं अपन, तो इसकी वॉल्यूम इक्वल टू इसकी वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब, यदि साइड ए है तो ए क्यूब, एक्स है तो एक्स क्यूब आ जाएगी, इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ए की वैल्यू 11 का क्यूब इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14 एच की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो 11 इंटू 11 इंटू, ठीक है, और ये आ जाएगा 11 इक्वल टू, चलो एक अपॉन में ये 7 इधर मल्टीप्लाई, तो ये 7 और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू एच। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी इसे मैं कैंसिल आउट करूँ तो कितना 2, ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो h की वैल्यू आएगी 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 14 इंटू 14, इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 इंटू 11 इंटू, या फिर पहले नीचे वाला कर देता हूँ, 14 इंटू 14 इंटू 2, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है कितनी 392। देखो 7 से भी कैंसिल आउट कर दो ना, आ जाएगा इस 7 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 121 अपॉन में ये कितना 4 चौदह चौक 56, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, 121 को डिवाइड करना है 56 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 2.16 h किसमें थी सेंटीमीटर में, तो ये हाइट आपकी आ जाएगी, समझना। इस क्यूब के अंदर जो वाटर था उसमें खाली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी उतनी इसकी वॉल्यूम होगी, और इसमें मैंने खाली किया तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी राइज होगी वो आपको बताना है। सपोज आपने ऐसे भर दिया इसको तो हाइट कितनी हो गई, तो ये h मान लो, तो इसकी जो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 2.16 आप सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।